हेलो एवरीवन, मैं पुनीत एक्सेल ट्यूटोरियल से मैं आप फिर आज आपके साथ एक नए कॉन्सेप्ट के साथ और नई चीज के साथ आया हूँ कि आप हाउ टू स्प्लिट फुल नेम ऑफ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम इन एक्सेल। यानी कि आप किसी भी नाम से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कैसे निकाल सकते हैं। आज आपको मैं दो तरीके से बताऊंगा, एक फॉर्मूले के तरीके से और एक जो एक्सेल के अंदर इनबिल्ट फीचर है ऑटो फिल के थ्रू। आई होप आपको ये पसंद आएगा। मैंने यहाँ पे कुछ ऑलरेडी डेटा बनाया हुआ है, यहाँ पे मैंने नाम लिखा हुआ है अपने सबके और यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा हुआ है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। और ऐसे ही सेम चीज यहाँ पे मैंने करा हुआ है, नाम लिखा हुआ है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। और यहाँ पे मैंने फॉर्मूला डिफाइन करा हुआ है कि हम फर्स्ट नेम के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और लास्ट नेम के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, आपको कोई भी क्वारी हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं excel tutorial563@gmail.com पे। मैं आपको इसमें जल्दी से जल्दी आपको इसका रिप्लाई करूंगा, मैं आपका कोई भी क्वारी या क्वेश्चन होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि आप इसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कैसे निकाल सकते हैं। और मैं बताऊँ, ये बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ईजी है। आप इसे दो बार करेंगे आपको आ जाएगा। अगर आपको ये पसंद, आपको तब भी डाउट होता है तो आप इस वीडियो को 3 बार देखिए, आपको चौथी बार आपको खुद ही आ जाएगा आपको कि आप कैसे आप निकाल सकते हैं। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है। मैं आपको बिल्कुल आराम आपको बताऊंगा कि आप इसको बिल्कुल कैसे निकाल सकते हैं। हम इसमें लेफ्ट फॉर्मूला यूज करेंगे और फाइंड फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर आपको कहते हैं लेफ्ट और फाइंड फॉर्मूला की नॉलेज नहीं है तो आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको लेफ्ट और फाइंड फॉर्मूला बताया हुआ है। आई होप आपको वो वीडियो भी पसंद आएगी। इसमें हम लेफ्ट फॉर्मूला यूज करते हैं, लेफ्ट। अब ये टेक्स्ट पूछ रहा है हमें, टेक्स्ट के लिए हमारे पास जो हमारा नाम है, फुल नेम है, हम फुल नेम लेंगे। उसके बाद पूछ रहा है हमसे कॉमा लगा के नंबर ऑफ करेक्टर। अब हमें इसमें नंबर ऑफ करेक्टर नहीं पता क्योंकि हमें फर्स्ट चाहिए, हम फर्स्ट यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते। अब देखो, जैसा अगर यहाँ पर डिफाइन मैं कर देता हूँ नंबर ऑफ करेक्टर, जब 3 3 6 यहाँ पुनीत आ गया। पर अगर मुझे ये डेटा अगर पूरा कंटिन्यू चाहिए तो अब ये देखिए, जहां पे कम होगा वहां ये खाली 6 ही लेगा, ये 6 के अंदर सारा आ जाएगा, तो हम इसको यूज नहीं कर सकते, हम इसको यूज नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। हमने करेक्टर लिया, अब हमें कहते हैं स्पेस से पहले का डेटा चाहिए, यानी कि स्पेस जहां ये पुनीत स्पेस शाक्या लिखा हुआ है, हमें जो पुनीत और शाक्या के बीच में जो स्पेस है उससे पहले का हमें फर्स्ट नेम निकालना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे फाइंड फॉर्मूला यूज करेंगे, फाइंड। ये पूछा फाइंड टेक्स्ट, यानी कौन से टेक्स्ट को हमें सर्च करना है, उसके लिए हम इन्वर्टेड कोमा, हमें कौन से टेक्स्ट से लेना है, इस टेक्स्ट से, कहां से, 1 से पहला हमें लेना है, तो हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। है ना आसान, बिल्कुल ईजी। अगर दोबारा देखिए, हमने लेफ्ट फॉर्मूला लिया, हमने टैक्स लिया उसके अंदर, अब वो पूछा है कौन कितने करेक्टर लेने हैं, हमें करेक्टर नहीं पता कितने करेक्टर लेने हैं, तो हम उसके लिए फाइंड फॉर्मूला यूज करेंगे, फाइंड। अब फाइंड हमें क्या फाइंड करना है, स्पेस टैक्स 1 से स्टार्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज। है ना आसान, आई होप आप सीख गए होंगे, बिल्कुल ईजी है ये। ये देखिए, हमने इसको ड्रैग कर दिया, बिल्कुल सारे नाम सही आ गए हमारे। अब हम निकालते हैं लास्ट नेम। अब लास्ट नेम भी सिमिलर ही है, बस थोड़ा डिफरेंस है, मैं आपको बताता हूँ। हम इसमें राइट फॉर्मूला यूज करेंगे, राइट टैक्स लेंगे। अभी थोड़ा यहाँ पे चेंजेस है, यहाँ पे इन नंबर ऑफ करेक्टर पूछ रहा है। अब हमें इसमें लास्ट नेम निकालना है, तो हम पूरे नाम के, नाम में जितने भी करेक्टर हैं हम उसको काउंट करेंगे, यानी कि उसके लेन, हम यहाँ पर लेन फॉर्मूला का यूज करेंगे, उसके थ्रू हम काउंट करेंगे लेन। हम इसमें टैक्स पूछ रहा है, टैक्स ले लेंगे। अब जब हमने इसको लेन काउंट कर लिया, हमें पता चल गया इसके अंदर 3 3 6 3 3 6 12 13 करेक्टर है इसके अंदर, विद स्पेस को मिला के 13 करेक्टर है। तो हमें लास्ट के 6 डिजिट चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, राइट फॉर्मूला
राइट लिया हमने, उसके बाद लैंड में हमारे ये टोटल काउंट हो गए 13 विद स्पेस मिला के। अब इसके अंदर हम कर देंगे माइनस, माइनस क्या कर देंगे हम, जो जहां से आपका जो स्पेस है स्पेस से जो पीछे का जो पार्ट है पूरा, यानी कि शाक्या के शाक्या से पहले जो भी है हम उसको माइनस कर देंगे। माइनस करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, फाइंड फॉर्मूले का, जो आपको मैंने सेम पहले आप फर्स्ट नेम में बताया था, हम वही फॉर्मूला सेम यहां पे यूज करेंगे, फाइंड फाइंड स्पेस इनवर्टेड कोमा, टैक्स पूछ रहा है ये, हमने इसको टैक्स बता दिया, कोमा वन ब्रैकेट क्लोज। ये देखिए आ गया ना, बिल्कुल इजी है ना, बिल्कुल आसान। हम दोबारा यूज करते हैं राइट, टैक्स लिया हमने, अब हम उसके लेंथ काउंट करनी है, लेंथ काउंट करने के लिए हम लेंथ लेंगे, फिर हम उसको टैक्स बताएंगे कि इसका काउंट करना है हमें। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे स्पेस से जो पहले के जितने भी करेक्टर है हम उसको माइनस कर देंगे, क्यों इसलिए मैं यहाँ पे मैंने माइनस का आप देखें, मैंने इसलिए यहाँ पे माइनस लगाया मैंने कि हमें स्पेस जो लास्ट नेम है लास्ट नेम से जो पहले जितना भी है जितने भी वर्ड और जितने भी स्पेस है वो माइनस हो जाए। इसके लिए यहाँ पे फाइंड यूज करेंगे, और ध्यान रखना यहाँ पे आपको माइनस जरूर लगाना, अगर माइनस नहीं लगाओगे तो आपका ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। अब प्लीज यहाँ पे माइनस लगाएं, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम फाइंड, और फाइंड हमें क्या करना है, हमें फाइंड इसके बीच का दोनों का स्पेस फाइंड करना है। मैं यहाँ पे फाइंड हमने डिफाइन कर दिया कि हमें भाई यहाँ स्पेस चाहिए, और किस करेक्टर में से चाहिए, इस करेक्टर में से चाहिए माइनस वन सॉरी कोमा वन, यानी कि पहले का जो भी है वो माइनस हो जाए, ब्रैकेट क्लोज। ये देखिए है ना आसान बिल्कुल। हम समझते थे कि अपना यार फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कैसे निकलते हैं, बिल्कुल डिफरेंट तरीका होगा, और आप आई होप आपको ये बिल्कुल याद भी हो जाएगा। आप दो बार इसको प्रैक्टिस करें, आप तीसरी बार आप खुद निकाल पाएंगे बिल्कुल बिना फॉर्मूले को देखे, तो आप रट लेंगे इस फॉर्मूले को आई होप। अब आपको मैं दूसरा तरीका बताता हूँ आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कैसे निकाल सकते हैं, ये बिल्कुल आसान तरीका है। तो मैं आपको बताता हूँ, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको खाली बस नाम लिखना है पुनीत, आप एंटर मारेंगे, एंटर मारने के बाद आपको कंट्रोल और ई का यूज करना है, कंट्रोल प्लस ई, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ मैं कंट्रोल प्लस ई, ई मैं इसको दोबारा बड़ा कर देता हूँ, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ज्यादा बड़ा हो गया ये तो। आपको कंट्रोल ई का यूज करना है, आपको इसमें आप नाम लिखेंगे, आप उसके बाद कंट्रोल ई करेंगे, और ये बता दो कंट्रोल ई, ई है क्या चीज, मैं आपको पूरा डिफाइन करता हूं, तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया है कंट्रोल ई, हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं बताता हूँ आपको। आप यहाँ पे कोई भी, अब जैसे हमें इसमें फर्स्ट नेम निकालना है हमें, तो उसके लिए हम यहाँ पे पहले नाम लिखेंगे, पहला वर्ड लिखेंगे, पहले यानी कि फर्स्ट नेम लिखेंगे पुनीत, हम एंटर दबा देंगे, एंटर दबाने के बाद हम कंट्रोल प्लस ई करेंगे, तो आपके देखेंगे सारे नाम आ जाएंगे, आपके ऑटोमेटिकली सारे नाम आ जाएंगे यहाँ पे। ऐसे हम यहाँ पे लास्ट नेम में लिखेंगे हम शाक्या, एंटर मारा हमने कंट्रोल ई, ये फ्लैश फिल है ना बिल्कुल आसान। ये देखो, पर इसमें बस एक दिक्कत हमें ये है, आप कुछ कुछ टाइम पे तो आप कर सकते हो, पर जहां आपको डाटा आपको फर्स्ट टाइम करना हो, जहां पर आपका डेटा बार बार चेंज ना हो रहा हो, तो आप उस जगह तो आप इसको कर सकते हो, अगर आप जहां आपका डेटा चेंज हो रहा है बार बार, तो आप वहां पे यूज नहीं कर सकते। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे पुनीत कुमार लिख देते हैं, तो वो डेटा चेंज नहीं होगा आपका यहाँ पे, शक क्या देखा आपने चेंज नहीं हुआ। अगर आप फॉर्मूला होगा आपका, आप फॉर्मूला में लिखते हो आप, तो आपका वहां पे हैंड टू हैंड चेंज हो जाएगा, वो आपने फ्लैश फिल यूज करा हुआ है, तो आपका ये नहीं होगा। आप वन टाइम यूज कर सकते हो, उसके वन टाइम क्या है, आप
ऐसा यूज कर सकते हो, जैसे आपको डेटा आ गया, आपको अलग कर दिया आपने, आपको बार बार चेंज नहीं करना पड़ रहा, फर्स्ट टाइम आप खाली एक बार डेटा चेंज करना है। अगर आपको बार बार डेटा चेंज करना है, आप डेटा पे कंफर्म नहीं हो कि हाँ ये नाम चेंज हो सकते हैं यहाँ पे या रिप्लेस कर सकते हैं नाम को, तो उस केस में आप फॉर्मूला यूज करें। अगर आपको फर्स्ट वन टाइम यूज करना है, यानी कि खाली आपको एक बार नाम आ गया, आपके पास उसको नाम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम करना है, तो आप उस पर आप कंट्रोल ई करके यूज कर सकते हैं। बिल्कुल आसान है, आपको मैं दोबारा दिखा देता हूँ। मैं करना क्या है इसके अंदर, कुछ नहीं, आपको नाम लिखना है, यहाँ पे नाम लिख के कंट्रोल ई दबाना है। आपका नाम जितनी भी आपकी पूरी लिस्ट होगी सब में ड्रैग ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा आपका, सारे नाम आ जाएंगे आपके। ऐसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुमार, कंट्रोल ई, आपके नाम सारे आ गए। है ना आसान, आई होप आपको ये पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, और प्लीज एक्सेल ट्यूटोरियल चैनल को लाइक करें। अगर आपको आपको फ्यूचर में ऐसे आपको नई नई वीडियो, आपको नई नई चीज आपको सिखाता रहूंगा एक्सेल के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।